कोरोना के मिले 1500 मरीजों व 6 लोगों की मौत ने देश को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। क्या यह फिर से कोरोना की पांचवी लहर की दस्तक तो नहीं है? बीते 146 दिनों के यह कोरोना के सबसे ज्यादा भयंकर केस हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा पिछले दिनों से अब तक 9 गुना वृद्धि कोरोना के मामलों में देखने में आई है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय सरकार भी गति में आ गई है व नई रणनीति की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार वृद्धि में देखे जा रहे हैं। कोरोना की नई एडवाइजरी भी जारी हो गई है, साथ ही 10 व 11 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय द्वारा मॉक ड्रिल भी किया जाएगा ताकि पर्याप्त तैयारी व सुविधाओं का मुआयना किया जा सके। ICMR की अपील में कोरोना से एहतियात बरतने की अपील की है। यदि कोरोना में लगातार बढ़ोतरी का ग्राफ देखें तो केरल में 26.4%, महाराष्ट्र में 27.7%, गुजरात में 13.9%, कर्नाटक में 8.6% और तमिलनाडु में 6.3% देखा गया है। वैक्सीनेशन के चलते वैसे तो कोरोना के मौत के ग्राफ में कमी आई है, वहीं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने कहा है कि सतर्क रहना है, पर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह नया वायरस भी ओमिक्रॉन SX1 के वेरिएंट XBP.1.16 का रूप है। किसी नए वेरिएंट की एंट्री पर उसे आइसोलेट किया जाता है व ट्रायल किया जाता है कि हमारे वैक्सीनेशन की रीच उस तक है या नहीं। किन अभी तक वैक्सीनेशन को ज्यादातर कोरोना मामलों में इफेक्टिव देखा गया है, किन कोरोना पेशेंट के साथ संपर्क में आते हुए हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। प्लैनेट प्रोब पहले भी H3N2 वायरस के स्प्रेड की जानकारी आपको दे चुका है, और हाँ, डराना हमारा उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क करना हमारा उद्देश्य है। तो क्या इसे कोरोना की फिफ्थ वेव मान लिया जाए? अभी इसकी स्प्रेड रेट 1.56 है। अगर यह 6% की स्प्रेड रेट पार कर जाती है तो इसे फिफ्थ वेव मान लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, यदि नंबर ऑफ पेशेंट्स कोरोना बढ़ते हैं तो डेथ रेट में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कमजोर निर्बल लोगों को जो कि सीवियर पेशेंट्स हैं उन्हें इसकी चपेट से आने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत में कुल वैक्सीन की दर 220.66 करोड़ है। तमाम सरकारी व निजी अस्पतालों को कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो चुके हैं, जिसमें ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स और अन्य मशीनों की तैयारी का निर्देश दे दिया गया है, ताकि स्थिति को अधिक विषम होने से पहले ही संभाल लिया जा सके। लैब्स में लगातार इस वायरस पर परीक्षण चल रहे हैं कि यह पहले से अधिक मजबूत है या कमजोर प्रकृति का है। इसी तरह से साल में एक या दो बार किसी नए वायरस की एंट्री का भी, जो कि इसी की प्रकृति से मिलते जुलते होंगे, का भय बना रहेगा। इस वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है। हमें लड़ना होगा इसके खिलाफ जंग छेड़कर, और वह जंग होगी हमें अपनी एहतियात करनी पड़ेगी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। कोविड महामारी के दौरान हम अपना बहुत कुछ खो चुके हैं व बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब हम और परेशान नहीं होना चाहते, ना ही लॉकडाउन जैसे हालात दोबारा देखना चाहते हैं। तो सतर्क व सचेत रहकर इस दुश्मन का सामना करेंगे। आशा करते हैं प्लैनेट प्रोब की इस जानकारी से आपको अवश्य फायदा होगा। इसी तरह की नई जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।